आप देख रहे हैं MP7 न्यूज मध्य प्रदेश, मैं हूं इमरान। पन्ना टाइगर रेंज की रेपुरा चौकी में श्रमिक की संदिग्ध अवस्था में मिली लाश, परिजनों ने विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप। छतरपुर जिला के चंद्रनगर रेंज के रेपुरा चौकी में पदस्थ चौकीदार जगदीश सिंह उम्र 45 वर्ष की चौकी के अंदर संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। परिवार वालों ने विभाग पर लापरवाही करने के आरोप लगाए हैं। आज चंद्रनगर रेंज में मृतक के परिजनों ने हंगामा करते हुए विभाग पर लापरवाही करने के आरोप लगाते हुए हत्या के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि रेंज में 3 तारीख को मृतक जगदीश सिंह से बात हुई थी, उसके बाद से उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। जब परिजनों को 4 तारीख को जगदीश की मृतक होने की सूचना मिली, चंद्रनगर चौकी प्रभारी वीरेंद्र रैकवार ने लाश का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज सुबह परिजनों ने चंद्रनगर रेंज में जाकर हंगामा करते हुए विभाग के अधिकारियों के ऊपर हत्या के आरोप लगाए हैं। काफी समझाइश के बाद अधिकारियों ने मृतक के परिवार को 1,00,000 रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात पर परिजनों ने लाश का अंतिम संस्कार के लिए रेंज से वापस ले गए। छतरपुर से MP7 न्यूज के लिए अरविंद वर्मा। रेंज में आए मेरे चाचा जी, यहाँ फॉरेस्ट में चंदनगर रेंज में रेपुरा कैंप में ड्यूटी करते थे जी। तो उनसे संपर्क हुआ, बता रहे हैं 3 तारीख को, 3 तारीख के बाद कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली बता रहे हैं। और 5 तारीख को हमको 2 बजे बताया कि वो मृत मिले हैं वहाँ पे। मृत कहाँ मिले हैं? रेपुरा कैंप में, ड्यूटी के दौरान थे जी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनका बदबू आ रही थी बॉडी से, तो 2 या 3 दिन पहले वो ख़त्म हुए हैं। जबकि ये लोगों के पास हर घंटे और शाम को हर शहर में की जानकारी आती है, उपस्थित थे या अनुपस्थित थे। तो इनके पास इनको जो कोई नहीं बता रहा है कि उपस्थिति रही है क्या नहीं रही है, और ये तो उनकी लापरवाही है ही है। और अब 2 दिन बाद कहाँ रहे जी लोग, सब पता ही नहीं। अच्छा, आप लोगों को कब जानकारी मिली कि ये मृत है? हमको 5 तारीख को कल मिली है 2 बजे। घटना कब की बताई जा रही है? घटना है कम से 3 तारीख की रात में होगी या शाम को होगी। अच्छा जी, तो आज आरोप क्या लगा रहे हैं आप लोग? हम लोग तो ये है कि मर्डर केस है। अच्छा, समझ में आ रहा है। तो क्या आश्वासन मिला आज यहाँ? बता रहे हैं कि PM हुआ है, उसके बाद जो जांच में आएगा वो करेंगे। हम मदद के लिए कोई गुहार लगाई है जी? वो कह रहे हैं कि हमने 1,00,000 रुपया देंगे राशि जो भी होगा, और उनके बच्चे को नौकरी पर रखेंगे जो पोस्ट। कोई जाँच के आदेश मिले हैं? जाँच के हाँ, वो जाँच हम करा रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ एक पन्ना टाइगर रिजर्व के चंदनगर रेंज में जगदीश सिंह करके एक आकस्मिक श्रमिक हैं जो काम करते थे, उनकी कल मृत्यु की सूचना हमें मिली है। इसके फिर हमने मृत्यु की सूचना मिलने पर पुलिस को इन्फॉर्म किया है, और उनकी उनका जो PM है वो अभी हो चुका है। और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन, इसका जो मृत्यु का कारण है वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, उसी के बाद फिर जो चीज़ें हैं वो क्लियर। मैम, आरोप लग रहे हैं रेंजर के ऊपर भी और कुछ है, और जो लोग पदस्थ हैं वहाँ पर और कोई मौके पर नहीं, या 2 दिन बाद परिजनों को मालूम चला, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जैसे ही घटना हुई है उसका हमें तत्काल पता चला है, उसका हमने फिर तत्काल रूप से उसके उस पर जो एक्शन लिया है पुलिस को इन्फॉर्म किया है, और जो भी इसमें चीज़ें आ रही हैं वो सब इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाए। मैडम, सहायता के रूप में विभाग की तरफ से क्या क्या दिया गया? विभाग की तरफ से सहायता के रूप में, तत्काल सहायता के रूप में 1,00,000 रुपए जो है उसके परिवार को दिए जाएंगे, और उसके अलावा उनके परिवार से एक कोई सदस्य, हमने ये उनके सामने रखा है प्रस्ताव कि कोई सदस्य जो है उसके स्थान पर आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्य कर सके। क्या मानते हैं?